लास्ट क्लास में हमने लेंस इमेज किस तरह से फॉर्म करता है उस चीज के बारे में डिस्कस किया था, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, रिफ्रैक्शन की वजह से वहाँ पे इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती हैं और कितने पैटर्न्स की फॉर्म होती हैं, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि इमेज उसकी कहाँ पे फॉर्म होती है। नाउ अब ये तो क्या था, ये एक रे डायग्राम था, ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, डायग्रामेटिकली हमने शो किया। लेकिन अगर मेरे हाथ में दो लेंसेज हैं, एक कॉन्केव है और एक कॉन्वेक्स है, मुझे नहीं पता कि कौन सा कॉन्केव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। कैसे नहीं पता? बिकॉज दोनों ही सर्कुलर शेप के होते हैं, आपने देखा था, डिस्क फॉर्म में होते हैं। तो देख के मैं डायरेक्टली अगर बताना चाहूँ कि कौन सा लेंस कॉन्केव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, तो इसे बताने का सबसे आसान ये तरीका है कि हम जो इमेज फॉर्म बाय दीज लेंसेज हैं उसको एक बार ध्यान से रिवाइज करते हैं, उसको एक बार माइंड में वापस रिपीट करते हैं। सो यू विल फाइंड कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। कैसा डिफरेंस? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इस लेंस के बिल्कुल पास लाके रखते हैं, एकदम क्लोज मींस वेरी क्लोज टू पोल, पोल के बिल्कुल पास में, या कहें फोकस और पोल के बीच में, तो एक लेंस जो इमेज फॉर्म करता है वह इमेज थोड़ी सी एनलार्ज होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, और दूसरा लेंस जो इमेज फॉर्म करता है वो थोड़ी सी छोटी होती है, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में डिमिनिश्ड। याद कीजिए कौन सा लेंस पोल और फोकस के बीच में रखने पे डिमिनिश्ड इमेज बनाता है और कौन सा लेंस पोल और फोकस के बीच में रखने पे एनलार्ज इमेज फॉर्म करता है। एंड मैं आपको बता दूं, दोनों इमेजेस वर्चुअल होती हैं। जस्ट ट्राई टू रिकॉल दिस, यू विल फाइंड कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो वर्चुअल इमेज जो फॉर्म करेगा वो इमेज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ी होगी, और कॉन्केव लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी होगी। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कॉन्केव एंड अ कॉन्वेक्स लेंस? सो जो दो लेंस मेरे हाथ में है, हम उन्हें क्या करेंगे, हम उन्हें कागज के ऊपर रख देंगे, न्यूज़पेपर पे रख देंगे, ऐसी जगह पे जहां पे कुछ लिखा हुआ है किसी पेपर पे। जब आप इन दोनों लेंस को किसी पेपर पे रख देंगे, देन यू विल फाइंड कि एक लेंस से जो इमेज बन रही है उन लेटर्स की, जो न्यूज़पेपर के लेटर्स हैं उसके ऊपर आपने ऐसा लेंस रखा, तो लेंस रखने से जब आप उस लेंस में देखेंगे, यू विल फाइंड कि जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो एनलार्ज हो जाएंगे, उनका साइज बड़ा हो जाएगा। एंड दूसरे लेंस में यू विल फाइंड कि जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो लेटर्स छोटे हो जाएंगे, उनका साइज डिमिनिश हो जाएगा, मतलब उस लेटर्स की एक इमेज फॉर्म हो रही है, और इमेज एक केस में डिमिनिश्ड है, एक केस में एनलार्ज है। तो कौन सा लेंस कॉन्केव और कौन सा लेंस कॉन्वेक्स होना चाहिए? यस, वी विल हैव कि जो लेटर एनलार्ज हो रहे हैं, जिस लेंस की वजह से लेटर्स एनलार्ज हो रहे हैं, वो लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। सो व्हाट वी विल से, वी विल से कॉन्वेक्स लेंस विल फॉर्म enlarged image of objects between pole and focus। कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज फॉर्म करेगा वो इमेज एनलार्ज होगी, बड़ी होगी कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। सो जब भी मैं एक कॉन्वेक्स लेंस को किसी न्यूज़पेपर पे रखूंगा, सो आई विल फाइंड कि जो लेटर्स लिखे हुए हैं वो एनलार्ज दिखेंगे, वो बड़े होके दिखाई देंगे, या कहें मैग्निफाइड दिखाई देंगे। एंड सिमिलरली वहीं पर अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें, सो वॉट यू विल फाइंड इन द कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में अगर आप देखेंगे तो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने पे हम ये देखते हैं कि कॉन्केव लेंस में सिर्फ दो ही प्रकार से हम
इमेज फॉर्म करते हैं, एक तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे या फिर एक ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, बिकॉज वहां पे फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर का कोई सेंस नहीं निकलता। व्हाई इट इज सो? बिकॉज हर केस में जो लेंस है वो इमेज बिल्कुल एक जैसी बना के देता है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पोल तक लाते जाएंगे, यू विल फाइंड कि इमेज धीरे 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 ग्रो होती जाएगी, एंड फाइनली जब आप उसको बिल्कुल पोल से चिपका देंगे, देन ऑल्सो यू विल फाइंड कि जो इमेज फॉर्म होगी वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट के साइज की नहीं होगी। दैट इमेज विल बी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कंपेयर टू ऑब्जेक्ट स्मॉलर इमेज फॉर्म होगी। सो जब भी मैं कॉन्केव लेंस को किसी न्यूज़पेपर पे रखूंगा, आई विल फाइंड कि लेंस के वजह से जो लेटर्स लिखे हुए हैं, दैट लेटर्स विल बी श्रिंक, वो लेटर्स श्रिंक हो जाएंगे, वो छोटे दिखाई देंगे। सो यू विल से कॉन्केव लेंस विल फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज of objects between pole and infinity। हमेशा ऐसा होगा कि कॉन्केव लेंस डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म करेगा। सो इट मीन जब भी मैं दोनों को डिस्टिंग्विश करना चाहता हूं, मैं यूज करूंगा उनके रे डायग्राम्स, कि दोनों के रे डायग्राम्स किस तरह से। एंड फाइनली हमने देखा, अगर आप दोनों को न्यूज़पेपर पे रखेंगे, एक से लेटर्स बड़े हो जाएंगे, एक से लेटर्स छोटे हो जाएंगे, बिकॉज लेटर्स क्या है, लेटर्स आर ऑब्जेक्ट, वो हमारे ऑब्जेक्ट है। और जब आप लेंस को लेटर्स के ऊपर रख रहे हैं, इट मीन्स आप लेटर्स को बिल्कुल पोल के पास में रख रहे हैं, एकदम करीब, बिल्कुल क्लोज। और इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से जो कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस में हमने रे डायग्राम देखा था बिटवीन पोल एंड फोकस वाला, वो अप्लाई हो रहा है और फाइनली इमेज जो है वो एनलार्ज दिख रही है और वर्चुअल दिख रही है। सिमिलरली सेकेंड केस में भी, तो इट मीन्स जो इमेज फॉर्म होती है, इमेज आपने देखी किस तरह की है, जब भी आप पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो फॉर्म होगी दैट विल बी एनलार्ज प्लस वर्चुअल। अगर ये इमेज वर्चुअल नहीं होती तो आपको लेटर्स उल्टे दिखाई देते, बिल्कुल रिवर्स दिखाई देते, लेकिन इमेज जो है वो वर्चुअल है, इरेक्ट है। इट मीन्स जो टॉप है वो टॉप ही दिखेगा, जो बॉटम है वो बॉटम दिखेगा, वहाँ पे एक इन्वर्जन जो होता है वो इन्वर्जन नहीं होगा, वो इन्वर्जन हमेशा रियल इमेजेस की केस में ही होता है। एंड सिमिलरली कॉन्केव लेंस ऑल्सो, कॉन्केव लेंस में भी आपको यही फिनोमेना देखने को मिलेगा कि लेटर्स जो है वो साइज जरूर छोटा हो रहा है, लेकिन इमेज इज अ वर्चुअल इमेज, इट मीन्स वहाँ पे भी कोई इन्वर्जन नहीं दिखाई देगा। सो दीज आर द टू डिफरेंट वेज इन विच वी कैन डिस्टिंग्विश, सॉरी वन डिफरेंट वे इन विच वी कैन distinguish between a concave and a convex lens, okay? Now, so हमने रे डायग्राम्स के बाद एक डिफरेंस डिस्टिंग्विश करना सीख लिया दो लेंसेज के बीच में, लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं होती। नेक्स्ट इज कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उससे आपको मेजर करना है कि इमेज कहाँ पे बनेगी, सो क्या हम इसे मेजर कर सकते हैं? यस, हम इसे मेजर कर सकते हैं यूजिंग मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स के कुछ रूल्स एंड लॉज लगा के इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं कि पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा होना चाहिए कि इमेज पोल से कितनी दूरी पे फॉर्म होगी। लेकिन इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, इस मैथमेटिक्स को अप्लाई करने के लिए हमें एक साइन कन्वेंशन बनाना पड़ेगा। व्हाई इट इज सो? बिकॉज अगर हम देखें तो लेंस में यू विल फाइंड कि कभी हमें डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ जाना होता है, कभी हमें प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाना होता है, बिकॉज कभी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और कभी नीचे है, कभी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में आती है, कभी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के राइट साइड में आती है। सो ये जो दो डिफरेंसेस हैं, इस वजह से हमें एक साइन कन्वेंशन ज़रूर फॉलो करना होगा। साइन कन्वेंशन फॉलो करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि डायरेक्शन, कुछ डायरेक्शंस एक तरफ हैं, कुछ डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट डायरेक्शंस और सेम डायरेक्शंस को मैच करने के लिए हमने एक कन्वेंशन बनाया, दैट इज नोन एज कार्टेशियन साइन
कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को हमने मिरर में बहुत डीपली डिस्कस किया था रिफ्लेक्शन में, कि मिरर में किस तरह से साइन कन्वेंशन फॉलो होता है, और रीजन अगेन वहां पे भी वही था कि जो डायरेक्शन है वो अपोजिट्स हैं, दो अलग अलग डायरेक्शन से। अगर एक ही डायरेक्शन में सारी इमेजेस फॉर्म होती, सारे ऑब्जेक्ट्स रखे जाते, देन हम इसे शायद यूज नहीं करते। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं है, इस वक्त हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर या नीचे दो अलग डायरेक्शन है, लेफ्ट या राइट दो अलग डायरेक्शन है। सो उन सभी डायरेक्शन को कैच करने के लिए हमने एक कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बनाया, विच इज वेरी वेरी सिमिलर और 100% सिमिलर टू इन द केस ऑफ मिरर। मिरर का जो साइन कन्वेंशन है बिल्कुल उसी तरह का ये साइन कन्वेंशन होगा। लेट्स से कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और कॉनकेव लेंस है, इट डजेंट मैटर आप यहां पे कॉन्वेक्स लेंस से बनाए या कॉनकेव लेंस से, इट डजेंट मैटर, बिल्कुल सेम ही आएगा। एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड दिस पॉइंट इज पोल। हमारे पास जनरली मिरर के केस में यही होता है, लेंस के केस में सिर्फ ये चीजें अवेलेबल है। देन लेट्स से दिस इज एफ टू प्रिंसिपल फोकस, एंड लेट्स से दिस इज 2F2, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम इस केस में भी इतना ही डिस्टेंस, दिस इज F1, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एंड दिस इज 2F1, दैट इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। एक कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ यही चीजें होती हैं, एक प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकेंड। नाउ अब किस तरह से हमें साइन कन्वेंशन फॉलो करना है उसे हम ध्यान से समझते हैं। फर्स्ट चीज, हमेशा ऐसा हम मानेंगे, दिस इज एन अजम्पशन, ओके, फर्स्ट चीज ऐसी होगी, हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट, द फर्स्ट अजम्पशन इज काइंड, कि जो ऑब्जेक्ट है उसे हम हमेशा लेफ्ट में ही रखेंगे। इस नजरिए से अगर आप देखें सामने से, सो आपको ये डायरेक्शन लेफ्ट दिखाई देगा। लेफ्ट कैसे हमने माना, हमने लेफ्ट माना पोल से कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू पोल, पोल के रिलेटिव कोई सी पोजीशन लेफ्ट या राइट मानी जाएगी। तो अगर हम पोल से खड़े होकर देखें, सो यू विल फाइंड कि आपको जब इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, देन आप लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करोगे, और जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तब आप राइट डायरेक्शन में मूव करोगे। सो आई विल से कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज left to the pole। सामने से आपको पोल दिख रहा है, और पोल से अगर आप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये डायरेक्शन में आएंगे, एंड आई विल से कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम इसी डायरेक्शन में अज्यूम करेंगे। सो यहां पे ही आपका ऑब्जेक्ट रखा रहेगा। अब आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्ट को इस तरह से भी रख सकते हैं, तो दोनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरफ। लेकिन मैं ये कैसे बताऊंगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट सीधा है और कौन सा ऑब्जेक्ट उल्टा है, क्योंकि मैथमेटिकली हम नहीं बता सकते डायरेक्टली। मैथमेटिकली अगर आप देखो तो ये डायरेक्शन ऊपर है, ये डायरेक्शन नीचे, लेकिन हम इसके बारे में बात कर रहे हैं या इसके बारे में, इस चीज को मैथमेटिकली कैसे शो करें। सो मैथमेटिकली वी विल से कि जो प्रिंसिपल एक्सिस ये आपकी बनी हुई है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की सभी डायरेक्शंस पॉजिटिव होंगी। सो आई विल से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जब हम जाएंगे, सो आई विल से कि डिस्टेंसेस आर पॉजिटिव, मतलब लेट्स से अगर इस ऑब्जेक्ट की हाइट h है, या कहें H1 है, सो आई विल से कि इस ऑब्जेक्ट की हाइट होगी H1 एंड इस ऑब्जेक्ट की हाइट होगी माइनस H1। वाई माइनस H1? बिकॉज हम
प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव है, नीचे आते हैं तो नेगेटिव है. इट मींस दिस इज माइनस एच वन एंड दिस विल बी एच वन. नाउ ऑब्जेक्ट जो हमने रखा वो हमेशा पोल के लेफ्ट में रखा, तो ठीक है लेट्स से हम इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें. अगर इस ऑब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ या इस ऑब्जेक्ट की मैं बात करता हूँ, इनकी इमेजेस फॉर्म करने के लिए लेंस यहाँ रखा हुआ है. अगर लेंस यहाँ रखा है तो इट मीन्स लाइट रे इनसे निकल के लेंस की तरफ जाएगी, और लेंस की तरफ जब वो मूव करेगी तब उस लाइट रे की डायरेक्शन ये वाली होगी. एंड आई विल से कि जो लाइट रे की डायरेक्शन है दैट डायरेक्शन शुड बी टेकन एज पॉजिटिव. डायरेक्शन ऑफ लाइट रे को हमेशा हम पॉजिटिव ही मानेंगे. लाइट रे यहां पे हम देख सकते हैं इट इज गोइंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, सो दिस डायरेक्शन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. मतलब अगर मैं इस पोल से इस ऑब्जेक्ट की दूरी को नापना चाहूं, ये ऑब्जेक्ट या फिर ये ऑब्जेक्ट, दोनों ही ऑब्जेक्ट की दूरी को जाने के लिए मुझे, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स पे जाने के लिए मुझे पोल से किस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा. आई विल से पोल से मुझे लेफ्ट साइड में मूव करना पड़ेगा. और अगर हमने राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, देन डेफिनेटली दिस डायरेक्शन शुड बी नेगेटिव. ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव ही कहलाएगी. नाउ इट मींस जब भी मैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस लूंगा सो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा. ऑब्जेक्ट की जो दूरी होगी इस पोल से दैट विल बी नेगेटिव ऑलवेज. नाउ लेट्स से कि इमेज जो फॉर्म होती है वो कहीं यहां पे फॉर्म हो जाती है, समथिंग लाइक दिस. ऐसी कुछ इमेज फॉर्म होती है. तो अगर मैं इस इमेज की हाइट को h2 कहता हूं, सो मैथमेटिकली मैं कैसे बताऊंगा कि ये इमेज इन्वर्टेड है या इमेज इरेक्ट है या वर्चुअल है, कैसे बताऊंगा. आई विल से कि इस इमेज की हाइट इज नेगेटिव, माइनस h2 विल बी द हाइट ऑफ दिस इमेज. व्हाई? बिकॉज नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव होती है. सिमिलरली अगर मैं इस इमेज की पोल से दूरी बताना चाहता हूं तो इमेज की दूरी फ्रॉम दिस पोल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. जब मुझे इमेज तक जाना है तो मैं पोल से इस डायरेक्शन में मूव करूंगा. दिस डायरेक्शन मींस राइट डायरेक्शन, एंड राइट डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो इट मींस इमेज की जो दूरी है यहां पे इस वक्त वो दूरी पॉजिटिव कहलाएगी. दैट डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव. सो दिस इज द बेसिकली साइन कन्वेंशन जो हम यूज करेंगे इस लेंस के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. अगर हम इसके फोकस की बात करें तो यू विल फाइंड कि जो F2 फोकस है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस आपको क्या दिख रहा है, दैट शुड बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव फोकल लेंथ. सो आई विल से मुझे सेकेंड प्रिंसिपल फोकस जाने के लिए पोल से राइट डायरेक्शन में मूव करना है. हमेशा हम सभी डिस्टेंसेस को पोल से ही नापेंगे. पोल हमारा रेफरेंस होगा, ओरिजिन होगा, और इस ओरिजिन पे खड़े होके हम डायरेक्शन नापेंगे. हमने ये सीखा था कि कार्टेशियन वर्ड हमने क्यों लिया था, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्यों बोला, बिकॉज हमने इस साइन कन्वेंशन को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से उठाया है. अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को ध्यान से देखेंगे यू विल फाइंड कि दिस डायरेक्शन दिस इज लाइक एन एक्स एक्सेस. सो दिस डायरेक्शन विल बी एक्स एंड दिस विल बी माइनस एक्स. एंड सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन को देखेंगे, सॉरी दिस इज वाई एक्सेस एंड दिस इज माइनस वाई एक्सेस. एंड दिस डायरेक्शन विल बी एक्स एंड दिस डायरेक्शन विल बी माइनस एक्स. एंड दिस पॉइंट पी इज ओरिजिन. ये ओरिजिन है 0,0 जिसका कोऑर्डिनेट होता है. सो ये साइन कन्वेंशन पूरी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज कर रहा है. कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने पढ़ा है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यूज करके ही हमने इसे बनाया है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फोकल लेंथ, दैट इज सेकेंड फोकल लेंथ, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, तो आई विल से
कि मुझे पोल से किस डायरेक्शन में मूव करना है, इस डायरेक्शन में, एंड दिस डायरेक्शन इज व्हाट, दिस डायरेक्शन इज डायरेक्शन ऑफ लाइट, इट मींस दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव. सो आई विल से F2 will be positive for convex lens. Convex lens में F2 इस तरफ होता है, इसीलिए I will say F2 will be positive. And what about F1? F1 will be negative. Why? Because pole से हम किस तरफ move करेंगे F1 जाने के लिए, इस direction में. फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस जो लाई करता है वो इस डायरेक्शन में लाई करता है. दिस डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट. सो आई विल से सेकंड प्रिंसिपल फोकस, सॉरी फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस दैट इज एफ वन विल बी नेगेटिव. एफ वन पॉइंट जो हमारा होगा फोकल लेंथ, जो फर्स्ट फोकल लेंथ होगी दैट फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव एंड सेकेंड फोकल लेंथ इज अ पॉजिटिव वैल्यू. सो दिस इज बेसिकली द साइन कन्वेंशन. अब कॉनकेव लेंस में किस तरह से होगा, कॉनकेव लेंस में सिर्फ डिफरेंस कितना होता है, एफ टू जो होता है वो इधर होता है और एफ वन जो होता है वो इधर होता है. सो जस्ट इन दोनों के साइन पलट जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, रेस्ट थिंग विल रिमेन सेम. डायरेक्शन ऑफ लाइट हमने कहा ये वाली ही होगी. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट. This is the direction of light and this remain positive. This will remain positive and opposite to the direction will remain negative. Principal axis के ऊपर जो sign होंगे वो सभी positive लेंगे, जैसे कि H1 लिया, लेकिन अगर object ऐसा रखा होता तो I will say it is minus H1. और image अगर नीचे form हो रही है so it is minus H2, और ऊपर form होती then I will say it is plus H2. So this is the sign convention. You can note this.